Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamualaikum Alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit 6 and unit number 6 is about geometry. Today we will solve next questions of review exercise 6. Let's start with question number 4. Read the statement. Meyer द फॉलंग एंगल्स विद दी हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अब अगर आप इनको देखें तो इनको मैयर करने के लिए आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत है आप क्या करेंगे तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ मैयर आप लोगों ने खुद उसकी रीडिंग देखनी है कि क्या आ रही है आप क्या करेंगे प्रोटेक्टर लेंगे प्रोटेक्टर को आपने उसकी जो बेस लाइन है इस लाइन के ऊपर ऐसे रखेंगे ठीक है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो प्रोटेक्टर का आप इधर रखेंगे जब आप प्रोटेक्टर इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे तो आपने इस तरफ क्योंकि ये देखो एंगल का जो मुंह है वो इस तरफ है इसका मतलब ये है कि आप राइट टू लेफ्ट मयर करना चाह रहे हो ना ये देखो एरो का साइन भी आपको शो कर रहा है इसका मतलब है आपने उसका इंटरनल जो है मैयर करना है इंटरनल रीडिंग इंटरनल स्केल को रीड करना है आपने ठीक है तो आप इसके ऊपर रख के ये लाइन जिस लाइन के ऊपर आएगी वो आपने उधर से एंगल मैयर कर लेना है मे पॉसिबल ये फोर्टी फाइव हो फोर्टी एट हो फिफ्टी डिग्री हो जो भी हो आपने इधर वैल्यूज लिख देनी है इसी तरीके से जब आपने इधर मैयर करना है तो वो बेस मार्क पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट इधर आएगा बेस लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी ठीक है और आपने इधर से देखना है फिर वही इनर वाला जो स्केल है उसको मैयर करोगे और इधर आपने बताना होगा कि ये कहाँ पर आ रहा है पॉसिबल है कि ये वन डिग्री पर आए ठीक है लेकिन आपने इसे रीड करके प्रोटेक्टर की मदद से फिर इसका आंसर यहाँ पर मैंशन करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें क्या है ड्रा द फॉलिंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अब अगर आप देखें तो ये आपको दो प्रोटेक्टर मैंने बना के दिखाए हैं इनमें से मैं दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बाकी आप लोग खुद करेंगे पार्ट वन देखें अगर सिक्सटी डिग्री की बात करो तो 60 डिग्री का एंगल बनाना आप क्या करेंगे एंगल ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले लाइन लगा लेनी है ये पॉइंट है ये हमने एक लाइन लगा ली ठीक है आपने सबसे पहले लाइन लगा लेनी है अब दूसरे नंबर पर आप क्या कर रहे होते हैं कि ये प्रोटेक्टर उठाकर इस लाइन के ऊपर रख देते हैं और ये पॉइंट इसके ऊपर आना चाहिए उसके बाद आप इसका इनर स्केल देखते हो भाई ये देखो सिक्सटी कहाँ पर आ रहा है सिक्सटी आ रहा है जी यहाँ पर तो बिल्कुल इसके सामने इधर एक पॉइंट लगा दो उसके बाद आपने प्रोटेक्टर उठा लेना और आपने इसको आपस में मिला देना एक रे की शक्ल में तो ये हमारे पास जो जाविया बनेगा ये ओबियसली कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का नेक्स्ट वाला देखो अगर 120 डिग्री का बनाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा ठीक है वन फिफ्टी का बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से वन फोर्टी या वन फिफ्टी यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब ये जो नाइन्टी डिग्री का एंगल है इसको आप दोनों तरह से बना सकते हो भाई इस साइड से भी बना सकते थे यूं करके और इस साइड से भी बनाया जा सकता था बात समझ आ रही है कि सीधी एक स्ट्रेट लाइन लगाओ ऐसे करके ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये जो पॉइंट है ये इसके प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पर आना चाहिए और उसके बाद आपने एक डॉट जो लगाना होता है 90 डिग्री के लिए वो 90 के सामने यहाँ पर लगाओगे इस डॉट को इस डॉट के साथ रे की मदद से मिला दोगे तो ये बनने वाला जो जाविया होगा ये ऑबियसली 90 डिग्री का होगा बात समझ आ रही है इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लें लेबल पार्ट्स ऑफ द सर्कल अब सर्कल के आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए भाई ये बाउंड्री है इसकी ठीक है और बाउंड्री को आप क्या कहते हैं मैथमेटिकली सर्कम फेरेंस ठीक है ऑफ अ सर्कल उसके बाद बी पॉइंट की बात करो तो बी एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर में से पास कर रही है और बाउंड्री पर दो पॉइंट को टच कर रही है तो ऐसे लाइन को क्या कहते होते हैं ऐसी लाइन को प्यारे बच्चों डायमीटर बोलते हैं उसके बाद अगर सी की बात करें तो सी क्या है एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला बता रही है तो इसको आप रेडियस कहते हैं ऐसा ही है उसके बाद डी कौन सा पॉइंट है डी इस ग्रीन को शो कर रहा है तो ग्रीन पॉइंट है एक और ये बिल्कुल सेंटर में तो सेंटर है।, है तो ये सर्कल का सेंटर कहलाता है ठीक है तो पहले बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़